डबल मनी मामले में हेमराज आमाडारे सहित अन्य चार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बालाघाट जिले का बहुचर्चित डबल मनी मामले में फरार चल रहे चार आरोपियों को लांजी पुलिस ने बालाघाट से उक्त पकड़ा है, जब वह न्यायालय के पास में थे। पुलिस को फरार आरोपियों की सूचना मिली थी कि फरार आरोपी आज न्यायालय में आने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से आरोपी हेमराज आमाडारे, ललित वैष्णव, राहुल बापुरे और रामचंद्र कालबेले को गिरफ्तार कर उन्हें लांजी ले गई है। कड़कड़ाती ठंड के इस माहौल में डबल मनी के फरार चार आरोपियों के पकड़ाए जाने की खबर से क्षेत्र का पारा फिर गर्म हो गया है। आपको बता दें कि डबल मनी प्रकरण के फरार आरोपी हेमराज आमाडारे, ललित वैष्णव, राहुल बापुरे और रामचंद्र कालबेले के खिलाफ निवेशकों द्वारा की गई शिकायतें और विगत दिनों माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व विधायक और बालाघाट पुलिस की याचिका पर रद्द की गई जमानत के आदेश के बाद से पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। हालांकि आरोपियों की जमानत के बाद निवेशकों को विश्वास था कि अब वह उन्हें अपना पैसा मिल जाएगा, लेकिन निवेशकों के पैसे दिए बगैर डबल मनी के फरार आरोपी भाग गए, जो ना तो माननीय न्यायालय में पेशी में आ रहे थे और ना ही ईडी कार्यालय के पेश होने के नोटिस पेश न होते हुए फरार चल रहे थे, जिसके न्यायालय पहुंचने की जानकारी के बाद लांजी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 जनवरी को बोलेगांव निवासी हेमराज आमाडारे, रामचंद्र कालबेले, राहुल बापुरे और ललित वैष्णव को गिरफ्तार किया है, जिन्हें पुलिस ने थाना लांजी ले गई है। वहीं इसी मामले में एसडीओपी दुर्गेश आर्मो ने आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए आरोपियों की मनमानी, न्यायालय से जमानत रद्द होने और निवेशकों की अन्य शिकायतों पर दर्ज मामले में तलाश जारी थी, जिसकी जानकारी मिलते ही आज उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें संभवतः पुलिस शनिवार को न्यायालय में पेश कर सकती है।